मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में कावेरी नदी के किनारे एक ऐसा स्थान है जहां 16 श्राद्ध पर गया जी की भांति ही पितरों का तर्पण होता है। ऐसा कहा गया है कि गया शिला स्वयंभू प्रकट हुई थी, उसी स्वयंभू गया शिला पर करते हैं तर्पण। पांडवकालीन जीर्ण शीर्ण मंदिर में पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान यहां अपने पूर्वजों का तर्पण किया था। स्कंद पुराण में इस स्थान का भी उल्लेख है। प्राचीन कथा व स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग में मार्कंडेय ऋषि ने इसी स्थान पर चतुर्मास किया था। तब भगवान विष्णु ने ब्राह्मण वेश में कराया था तर्पण। जिला मुख्यालय से 98 किलोमीटर दूर बड़वा तहसील के सिद्ध क्षेत्र जैन तीर्थ सिद्धवर कूट के समीप कावेरी नदी के तट पर पहाड़ों के बीच स्थित है। पंडित जी यह भी बताते हैं कि गया जी में जो श्रापित नदी फाल्गु है जो विलुप्त है, उसी प्रकार यहाँ पर भी अरण्य नदी है जो विलुप्त होकर कावेरी में मिल रही है। बताया जाता है कि पांडवों ने भी अज्ञातवास के दौरान यहाँ रहकर अपने पूर्वजों का तर्पण किया था। 16 श्राद्ध में इस स्थान पर विद्वान पंडितों द्वारा 16 दिवसीय टेंट लगाकर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए देव स्थापित करते हुए नारायण बलि, नाग बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध, गया श्राद्ध, महालय श्राद्ध एवं तर्पण कर्म के साथ ब्राह्मण भोज का कर्म कराया जाता है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। ये गया शिला मार्कंडेय ऋषि के द्वारा स्थापित, जो मार्कंडेय ऋषि जी जीवन पर्यंत नर्मदा जी की परिक्रमा में रहते थे, उन्हें उनके पूर्वजों के निमित्त जब गया जी जाकर पिंड करना था तो उन्होंने यही नर्मदा और कावेरी जी के तट पर जब चतुर्मास किया तो चतुर्मास में उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना करी, जिससे भगवान विष्णु अवतरित हुए। उन्होंने स्वयं ब्राह्मण का रूप लेकर उनके पिंडदान करवाए और ये गया शिला अवतरित हुई जी। और मार्कंडेय ऋषि के द्वारा यहाँ पिंड करने से उनके पूर्वज गया जी को प्राप्त हुए। जब से यह प्रथा चली आई है कि जो भी यहाँ पिंडदान करेगा उसे गया जी जाने की आवश्यकता नहीं होगी और गया का श्राद्ध ही फिर प्राप्त हो। मेरे पीछे जो मंदिर देख रहे हैं ये पांडवकालीन मंदिर है। जब पांडव लोग अपने क्षेत्र ओंकारेश्वर क्षेत्र में आए थे तो उन्होंने 12 वर्ष के अज्ञातवास में एक वर्ष अपने ओंकारेश्वर क्षेत्र में काटा था। उसी समय में यहाँ पर ये मंदिर निर्माण हुए हैं जो पांडवकालीन है। कई मूर्तियाँ यहाँ पर विक्षिप्त रूप से है जो दर्शाती है कि ये पांडव काल से है मूर्तियाँ रखी गई है। और पांडवों ने भी अपने पूर्वजों के निमित्त यहाँ पिंडदान किए थे जो गया को प्राप्त हुए। ये नदी जो गया जी में फाल्गुन नदी है, उसी प्रकार ये नदी भी है। जैसे गया जी में फाल्गु के नाम से प्रचलित है, यहाँ पर ये नदी अरण्य नदी के नाम से प्रचलित है। जिस प्रकार वो नदी श्रापित है, यहाँ भी नदी अवतरित है। यहाँ पर ये नदी अंदर ही अंदर भूमिगत चलती है। आगे जाके आप देखेंगे कि नदी पूर्ण रूप से बह रही है और आके कावेरी में मिली है, पर गया शिला के स्थान पर ये नदी विलुप्त है। पंडित धर्मेंद्र पाठक, मैं मोटक्का खेड़ी घाट से हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।